तो सबसे पहला ईडियम है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है किसी ऐसी चीज पर अफसोस करना जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी से क्रिकेट मैच लिया और आप वो मैच हार गए, फिर मैच हारने के बाद अब आप अफसोस कर रहे, मैं मैच कैसे हार गया, मुझे मैच जीतना था, मैं मैच हार नहीं सकता था। यानी आप ऐसी चीज पर अफसोस कर रहे जिसे अब बदला नहीं जा सकता, जो हो चुका। तो ऐसे ही अगर कोई भी कोई ऐसी चीज पर अफसोस करे जिसे अब बदला नहीं जा सकता, जिसे अब चेंज नहीं किया जा सकता, जो हो चुका, तो आप उसे बोल सकते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। यानी ऐसी चीज पर अफसोस मत करो जो हो चुका, जिसे अब बदला नहीं जा सकता। ही इज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी वो ऐसी चीज पर अफसोस कर रहा है जिसे अब बदला नहीं जा सकता, जो हो चुका है। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ऐसी चीज पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं जो हो गया, जिसे अब बदला नहीं जा सकता। यू नो आई डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तुम जानते हो मैं ऐसी चीज पर अफसोस नहीं करता जो हो चुका और जिसे अब बदला नहीं जा सकता। तो यह है हमारा पहला ईडियम, है ना काफी इंटरेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और भी ईडियम जो कि और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।